अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरोफियत से होंगे। आज डिनर टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, तो फिर मेरे पास कबाब फ्रीज़र में पड़े हुए थे। मैंने कहा मैं उनको कबाब बर्गर बना देती हूँ, सो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। डीफ्रोस्ट थोड़ा सा मैं अवन में भी कर लेती हूँ, ऐसे भी थोड़ी देर बाहर रख लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना वो मैं फ्राई कर रही हूँ कबाब। मेरे बच्चे वैसे वीक में एक दफ़ा बाहर से भी खाते हैं कबाब बर्गर, लेकिन मैं वैसे प्रेफर करती हूँ कि इनको घर में खुद बना के दूँ, बिकॉज जो घर के बने होते हैं डेफिनेटली वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मैं अक्सर डिनर में इनको कबाब बर्गर बना देती हूँ, इजी भी है। यहाँ कबाब फ्राई हो गए हैं और मैं प्लेट में पेपर टॉवल रख के उसके ऊपर कबाब रख रही हूँ। चारों कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और मैं पेपर टॉवल के ऊपर लगाती हूँ इसको। आप घर में कबाब बर्गर बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, इट्स वन ऑफ द हेल्दी ऑप्शन। कबाब रेडी हो गए हैं बर्गर में डालने के लिए। मैं बर्गर बन गरम कर रही हूँ, हाँ थोड़ा सा इसको गरम करें पैन में, तो ये थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं, तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। यहाँ ब्रिस्बेन में तो ये मिल जाते हैं हमारे कोल से, एल्डी से जो बन है, इसके ऊपर वाइट तिल भी है विच इज़ मोर हेल्दी। यहाँ थोड़ा सा देसी घी मैंने ऊपर लगाया है टू मेक इट क्रिस्पी एंड मोर हेल्दियर। नेक्स्ट टाइम जब मैं शामी कबाब बनाऊंगी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी हो जाए ब्राउन। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राउन हो गए लिटिल बिट। जब बच्चों को पता चल जाए कि आज कबाब बर्गर बनाने हैं तो इनकी बातें सुनने वाली होती है, मामा यू आर ग्रेट, यू मेकिंग सच अ गुड डिनर, दिस दैट, ओह माय गॉड, जैसे कोई पहली दफा कुकिंग हो रही है लोगों के लिए। हाय, और हम लोग पागल हो गए, कुक कर कर के यही काम है हमारा, सुबह ब्रेकफास्ट दे दो, दोपहर को लंच दे दो, रात को डिनर दे दो, बस पका पका के पागल हो जाना है हमने। एनीवे खुश हो जाते हैं बच्चे, और हमें तो अपने बच्चों की खुशियां ही चाहिए। यहाँ सब कुछ तैयार है कबाब बर्गर बनाने के लिए, और मैंने साथ अंडे भी फ्राई किए हैं, बिकॉज मैं कबाब बर्गर जब बनाती हूँ तो उसमें बच्चों को अंडा भी डाल देती हूँ, हेल्दी प्रोटीन डाइट बन जाती है बच्चों के लिए। वैसे भी मैं अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखती हूँ, बिकॉज ये लोग ग्रोइंग एज में हैं तो इनको प्रोटीन डाइट भी चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए, सो मैं ख्याल रखती हूँ अपनी तरफ से। और ज़ाहिर है इन्होंने स्टडी करनी होती है, तो फिर ब्रेन तो तभी वर्क करेगा जब बच्चे अच्छी डाइट भी लेंगे, बिकॉज डाइट्स जो है ना वो मेक्स अ बिग डिफरेंस। मेरे बच्चों को सबको अपने अपने बर्गर में डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, एक को चीज़ पसंद है उसने चीज़ डालनी है, एक एग योक नहीं खाता उसको वाइट अंडा चाहिए, एनीवे मैं उनके लिए जैसे वो खुश हों वैसा बना देती हूँ। टेस्ट के लिए थोड़ी सी केचप ऐड कर दी है मैंने। If you like my videos, please subscribe, share and like. Thank you so much. एक्स लगा रही हूँ मैं ऊपर।
अल्लाह ताला सारे पेरेंट्स को हिम्मत और ताकत दे अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की। माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मेरी अम्मा भी मेरे लिए जब दुआ करती हैं मुझे यही दुआएं देती हैं, अल्लाह मियाँ तुम्हें हिम्मत और